हेलो दोस्तों, ए टू जेड फैब्रिकेशन टिप्स में आपका स्वागत है। आज हम सिंगल कट में 90 डिग्री बैंड कैसे बनाया जाए उसके बारे में बात करेंगे। मतलब 45 डिग्री में पाइप कैसे काटिंग किया जाए उसके बारे में बात करेंगे। ये जो बैंड बनता है ऐसे, ये जो दिख रहा है इसका कैसे बैंड बनाया जाए उसके बारे में हम बात करेंगे। बैंड बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो होता है शियर इनटू डिग्री डिवाइडेड बाय 360 इनटू 2 इनटू कट। बैंड बनाने के लिए सबसे ज़्यादा यही फार्मूला का यूज किया जाता है, लेकिन सिंगल कट में अगर आप 90 डिग्री बनाने जाएंगे तो ये फार्मूला आपका काम में नहीं आएगा। अगर आप ये फार्मूला के चलते आप 90 डिग्री बैंड बनाएं भी तो वो 90 डिग्री किसी भी हाल में नहीं बनेगा। तो आम जो फार्मूला के बारे में बात करेंगे वो बहुत ही आसान है। तो पहले जान लेते हैं फार्मूला क्या है। वो फार्मूला है पाइप ओडी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कटबैक। बस सिर्फ इतना ही करना है। पाइप ओडी को आपको 2 से डिवाइड करना है, कैलकुलेशन करने से आएगा वही कटबैक है। मान लीजिए ये मेरा 250 एनवी का पाइप है, तो 250 एनवी पाइप, 250 एनवी पाइप का ओडी 273, तो उसका काटबैक निकालने के लिए मेरे को तय करना होगा 273 डिवाइडेड बाय 2। कैलकुलेशन करने से 136.5 हो गया काटबैक। ये जो 90 डिग्री वाला काटबैक हो गया, ये मतलब ये जो हम एक तो स्केच ड्रॉ करके रखे हैं, ये 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, एक ही सेंटर लाइन उसमें मार्किंग करना, एक राइट एंगल मार्किंग करना, सॉरी एक राइट एंगल उसमें मार्किंग करना है। तो ये जो जहां आपका काटिंग करना है सिंगल कट में, वो सिंगल राइट एंगल का जो मार्किंग की है उसमें काटबैक डालना है। ये जो काटबैक हम निकाले हैं 136.5, ये 90 डिग्री में डालना है, मतलब ये जगह आपको डालना पड़ेगा 136.5। वैसे ऑपोजिट साइड 90 डिग्री में भी आपको वैसे 136.5 डालना है। ये तो हो गया 90 डिग्री वाला फॉर्मूला। अभी आपको 45 डिग्री में जो काटबैक बैठेगा उसको कैसे निकाले, उसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साइन 45 का वैल्यू निकालना है। साइन 45 इसके साथ काटबैक गिनना है, मल्टीप्लाई करना है काटबैक को। मेरा काटबैक कितना निकला है, साइन 45 का मान पहले निकाल लेते हैं। जो वैल्यू है साइन 45 का वैल्यू होता है 0.707। उसके साथ में हम लोग का काटबैक कितना निकला है 136.5। इसको कैलकुलेशन करने से आता है 96.5। ये हो गया 45 डिग्री वाला काटबैक। मतलब ये जो 45 डिग्री में आप कहाँ डालना है, ये 96.5 डालना है, यहाँ भी ऐसा है 96.5 डालना है। हाँ, एक बात हम बोलने भूल गए, पाइप को जो पाइप है हम लोग का ये 250 एनवी पाइप, 250 एनवी पाइप का सीएफ होता है 873.4। हम 8 सेंटर लाइन से किए हैं, उसको 8 सेंटर लाइन से डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करने से आता है 109.1। मतलब ये जो सेंटर लाइन हम मार्किंग करके रखे हैं, पहले आपको 109.1 का हिसाब से चारों ओर बराबर हिस्सा में 8 सेंटर लाइन मार्किंग कर लेना है। उसके बाद वो जो काटबैक हम लोग निकाले हैं उसको हिसाब से आपको डाल देना है। डाल के पत्ती से मार्किंग करके काट देने से आपका 90 डिग्री बैंड बन जाएगा। सिंगल कार्ड में 90 डिग्री बैंड बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको सही तरीके से उसका फार्मूला मालूम है, सही फार्मूला मालूम है, सही करने का सही तरीका आपको मालूम है। हाँ, ये तो हो गया 8 सेंटर लाइन में करने के लिए। अगर आपको इसको 12 सेंटर लाइन में करना है
तो क्या करना पड़ेगा, ये जो सेंटर लाइन है बीच में ये इसको क्या करना है, ये जो 0 डिग्री और 90 डिग्री इसको तीन हिस्सा में बांटना है। तो क्या होगा, ये जगह और ये जगह दो लाइन आएगा, ये 45 डिग्री का जरूरत तब नहीं होगा, इधर भी ऐसे ये जगह मतलब ये होगा 30 डिग्री आपका, ये होगा 60 डिग्री, वैसे ये भी 30 डिग्री और ये 60 डिग्री। तो हमको तब क्या करना पड़ेगा, साइन 30 का वैल्यू निकालना है, साइन 30 और साइन 60 वाला का कटबैक निकालने के लिए साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री का कटबैक निकालने के लिए साइन 30 लेना है, साइन 30 इसके साथ कटबैक मल्टीप्लाई करना है और साइन 60 इसके साइन 60 का वैल्यू निकाल के कटबैक के साथ मल्टीपुल करना है। तो क्या होगा, साइन 30 का वैल्यू होता है 0.5 और हम लोग का कटबैक निकला है 136.5। इसको कैलकुलेशन करने से 68.25, 30 डिग्री वाला कटबैक निकल गया और 60 डिग्री वाला कटबैक निकालने के लिए साइन 60 का वैल्यू होता है 0.866 इंटू कटबैक मतलब 136.5। कैलकुलेशन करने से 118.21 मतलब अगर 60 डिग्री वाला 12 सेंटर लाइन में करेंगे तो ये 90 डिग्री में जितना है उतना ही रहेगा, 60 डिग्री में आपका 90 ये जो जगह है यहां बैठेगा आपका 118.21 और 30 डिग्री में बैठेगा 68.25। वैसे भी उल्टा सही ऐसा 30 डिग्री में 68.25 और 60 डिग्री में 118.21। ऐसे आप जितना बड़ा डाया होगा उतना ज्यादा आपको सेंटर लाइन लेना है, लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, सेंटर लाइन हर वक्त 4 का गुना का हिसाब से लेना है, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 ऐसे ऐसे में 4 का गुना का हिसाब से लेना है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन बेल पर ऑल पर क्लिक कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।